विवान जल्दी से फ्रूट्स फिनिश करो वरना मैं आकर टीवी बंद कर दूंगी। हाँ खा रहा हूँ। तुम ना सोचो जितना डर नहीं लगता, उतना डर तो मम्मी की धमकी से लगता है। लेट इतनी दूर है और मुझे पालवी रोते हुए भी चार कदम क्यों चलना, जब एक चुटकी से काम हो जाए। इस छोटे राजकुमार को समझाने के लिए मुझे बालवीर को बुलाना होगा। बालवीर, बालवीर, क्या हुआ मस्ती परी, क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया? उधर देखो बालवीर। विवान जूस भी पीना है। हाँ। ये विवान अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कितने भले काम के लिए कर रहा है देखो। बालवीर समझाओ कुछ उसे। आओ पाटर कार्टून देखते हैं। कुछ पियोगे? ठंडा जूस लस्सी अभी फ्रिज से मंगवाता हूँ। आपने जादू की बहुत चलती है यहाँ, मांगो। ये क्या कर रहे हो पाटर? ये सब क्या हो रहा है विवान? फ्रूट्स खाने के लिए भी तुम्हें जादू की जरूरत पड़ती? पाटर अगर बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हो तो सीढ़ियों का इस्तेमाल कौन करता है? तुम्हें ये जादू मजाक करने के लिए नहीं दिया गया, परोपकार करने के लिए दिया गया है। अरे मैं मजा काम कर रहा हूँ पाटर, मैं तो टाइम बचा रहा था। जब चुटकी से काम होता है तो चार कदम चलने में वेस्ट क्यों करूं? इतना सीरियस मत हो पाटर। आप कार्टून देखते हैं। पाटर ये क्या किया? ये क्या है पाटर? आज तक तुमने जादू का कैसा इस्तेमाल किया है ये उसका हिसाब किताब है। मतलब मेरे मैजिक का रिपोर्ट कार्ड? हाँ विवान, तुम्हें पता है वीर लोक में हर किसी की जादुई शक्तियों का हिसाब किताब शौर्य रखते हैं। अगर तुम जादू का सही इस्तेमाल करते हो, किसी की मदद करते हो या लोगों को परोपकार करते हो तो तुम्हें सफेद अंक मिलते हैं। लेकिन अगर तुम जादू से मजाक करते हो, किसी को परेशान करते हो तो लाल अंक मिलते हैं। रिपोर्ट कर, तू खतरे का लाल झंडा बन चुका है। बिल्कुल, हर इंसान को हर काम दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए विवान। और तुम तो बालवीर हो ना, तुम अपनी आदतें सुधार लो विवान, वरना शौर्य तुम्हारी जादुई शक्तियाँ वापस भी ले सकते हैं। और ऐसा पहले भी हो चुका है विवान। जल्दी से मुझे कोई हेल्प बताओ ना पाटर, कि मैं अपनी लाल रिपोर्ट कार्ड को सफेद कैसे बनाऊं। हाँ शौर्य। बालवीर, क्या तुम अभी वीर लोक आ सकते हो? ठीक है शौर्य, मैं अभी आता हूँ। विवान मुझे जाना होगा, लेकिन अगर तुम सारे जादू का इस्तेमाल करना चाहते हो और बालवीर बने रहना चाहते हो तो लोगों का परोपकार करना सीखो। परोपकारी जादू? शौर्य आपने मुझे बुलाया? हाँ बालवीर, तुम्हें याद है ना कि कल से अथार्थ ग्रहण शुरू हो रहा है। हाँ शौर्य, ये ग्रहण 44 साल में एक बार आता है। इस अथार्थ ग्रहण के दौरान बुरी शक्तियों की ताकत चरम सीमा पर होती है। लेकिन ऐसा क्या खास है इस अथार्थ ग्रहण में? खास है तिमनासा, इसके साथ वीर लोक का एक ऐसा राज जुड़ा है जिसके खुलते ही सब कुछ बदल जाएगा। जल्दी ये राज खोलो काल परी, क्योंकि ग्रहण कल ही शुरू होने वाला है। ग्रहण नहीं भयमार, सुनहरा मौका। सुनहरा मौका कल शुरू होने वाला है। अथार्थ ग्रहण के साथ ही काल लोक की शक्तियां धरती लोक पर काम करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, वीर लोक की शक्तियां भी हम अपने अपने हथियारों में खींच सकेंगे। इसका मतलब वीर लोक का तख्त पलटने का वक्त आ ही गया। अब भला इस मौके को मैं कैसे छोड़ सकती? इसलिए अथार्थ ग्रहण के दौरान मिले मौके का फायदा उठाने की कोशिश
बुरी शक्तियां जरूर करेंगे। हमें तैयार रहना होगा बालवीर। आप चिंता मत कीजिए शौर्य, मैंने रज्जुरण बनाना शुरू कर दिया है जिससे हम काल लोक की बुरी शक्तियों को ग्रहण होने से पहले ही रोक पाएंगे। शाबाश बालवीर, इस रज्जु रण को जल्दी पूरा तैयार कर लो ताकि इसके इस्तेमाल से हम काल लोक के वासियों को ग्रहण के दौरान काल लोक के अंदर ही रोक कर रख सकें। परोपकारी जादू क्या होता है मस्ती परी? एक ऐसा जादू विवाह जिसमें अपने फायदे के लिए नहीं पर दूसरों के फायदे के लिए वो जादू का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देकर समझाओगे तो शायद समझ आ जाए। एग्जाम्पल? हाँ विवान, हाँ यहाँ आओ। देखो अब ध्यान से देखना और सीखना। अब देखना परोपकारी जादू का कमाल। हाय दैया, ये तो एक बार में ही तीन टुकड़े हो गया। पत्थर तो कांच के जैसा टूट रहा है। शुक्र है भगवान का, आज ऐसे ही नरम नरम पत्थर मिल जाए तो घर जल्दी जा सकूंगी बच्चों के पास। आंटी को पता ही नहीं कि पत्थर नरम नहीं हुआ बल्कि हथौड़ा गरम हुआ है मस्ती भरी के परोपकारी मैजिक से, है ना? हाँ। तो अब तुम समझ गए हो ना कि तुम्हें क्या करना है? बेकार नॉट मस्ती भरी, ये एग्जांपल मेरे दिमाग में पूरी तरह से चिपक गया है। तो फिर चलो अब तुम भी मुझे दिखाओ तुम्हारा परोपकारी जादू का कमाल। निकम में देरी क्यों, चलो। चलो इस रज्जुरण से क्या होगा बालवीर? इससे हम उनकी हिम्मत और ताकत दोनों को बांध के रख पाएंगे। इसकी मदद से एक नहीं हजारों तिमनासा को हम कैद कर सकते हैं। इस रज्जुरण को लेकर मुझे अभी निकलना होगा वायुपरी, ग्रहण शुरू होने में अभी ज्यादा समय नहीं बचा। हाँ बालवीर। लगता है नए आए हो काल लोक में, इसलिए शायद पता नहीं कि ऐसी हिम्मत मैं पहले भी दिखा चुका हूं। लेकिन इस बार मैं तुम लोगों की हिम्मत तोड़ने आया हूं। सूर्य का तेज, समुंदर की लहरें और बिजली की तरंग की शक्ति है इस रज्जुरण में। रज्जुरण के दोनों सिरों को जोड़कर मैंने एक अदृश्य घेरा बना दिया है। ये
जब तक ग्रहण पूरा नहीं हो जाता तब तक रज्जोरण के सदृश घेरे से कोई बाहर नहीं आ सकता और ना ही कोई उसके अंदर जा सकता है। अलविदा नौसिखे पहरेदार। अब देखना मस्ती परी, ऐसा परोपकारी मैजिक करूंगा ना कि पाटर और शेर सर दोनों ही प्राउड फील करेंगे। इस भी करूं। वोरा। भाई काम छोड़ो, ये लो गर्मा गर्म चाय पी लो। हाँ। ले लो। अरे भैया लो भैया पिला दो चाय, जरा बहुत थक गया हूँ मैं। ले लो। एक मिनट भैया। अब देखो मस्ती करी। अबे खेलो ना, असली लेजर लाइट की तरह काम करेगा। यस। ओह, काम भी बहुत है। ये सब किसने किया? हैं? इतनी सफाई से, इतना सारा लोहा किसने काट दिया? और वो भी इतना जल्दी? तुम जो भी हो मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान तुम्हें सलामत रखे। कैसा लग रहा है तुम्हें ये परोपकारी जादू करके? इतनी खुशी मिलती है दूसरों की मदद करने में। इतनी खुशी तो मुझे चिंटू चंडी को तंग करने में भी नहीं मिली। इस ग्रहण के खत्म होने से पहले ही मैं धरती का नाम और निशान मिटा दूंगा। लेकिन भैमा, हमें सावधान रहना होगा क्योंकि बालवीर हमारे इस सुनहरे मौके को छीनने की कोशिश जरूर करेगा। करेगा नहीं, कर रहा है। बालवीर यहाँ आ चुका है। बालवीर यहाँ आ चुका, जहां तक मैं उसे समझती हूँ वो रज्जू रन लेकर जरूर आया होगा। रज्जू रन एक जादुई रस्सी जिसकी शक्ति विशाल है और बालवीर उसी रस्सी की मदद से काललोक को बांधने की कोशिश करेगा और अगर वो इसमें कामयाब हो चुका तो इस ग्रहण के दौरान हम में से कोई भी काललोक से बाहर नहीं जा सकेगा। विवान, एक ही इंसान की मदद करके तुम इतना खुश लग रहे हो? हाँ मस्ती परी, क्योंकि मैं समझ गया तू जादू हो या ना हो लोगों की मदद करने में बहुत सुख मिलता है और अब तो मैं परोपकार करने का एक मौका भी नहीं छोड़ूंगा। अरे विवान, ध्यान से संभाल के करो। विवान, मस्ती पर प्लीज बचो, मैं गिरने वाला हूँ। क्या कर दिया विवान? थैंक यू मस्ती परी, मैं थोड़ा जोश में आउट ऑफ होश हो गया था।
सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारा ये खिलौना भी कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ जोश चला गया था। अब चलो जाओ, वो गड्ढा ठीक करो। जा। मस्ती परी, आप जल्द वीरलोक आ जाइए। विवान, मुझे शौर्य बुला रहा है, मैं वीरलोक जाकर आती। ये घट्टा तो मेरे रिपोर्ट कार्ड में एक और रेड डॉट बना देगा। अब क्या करूं? बोलो नहीं, सुनो विवान, अब तक फ्रूट्स पूरे नहीं खाए तुमने? घट्टा बात भी ठीक कर दो, पहले घर जाकर वो प्लेट खाली करता। अब इस रज्जू रण के दोनों सिरों को जोड़ते पूरा काल लोग कैद खाना बन जाएगा। आज तक बुराई को कौन कैद में रख पाया बालवीर, जो तुम रखोगे? क्या हुआ, इतने घबरा गए यथार्थ ग्रहण से कि चोरी छिपे आ गए तुम काललोक में हमला करने के लिए? अब तुम्हारे ही रज्जो रण का इस्तेमाल मैं तुम्हारे ऊपर करूंगी बालवीर। क्या हुआ, लो अपनी जादुई रस्सी लो। डर गया वीरों का वीर बालवीर? डरना तो तुम्हें पड़ेगा तिमनासा, इससे भी खतरनाक हथियार है मेरे पास। अगर देखना चाहती हो तो यथार्थ ग्रहण होने का इंतजार करो। दिन हो गए अपनी पलटन के साथ क्रिकेट खेले। स्पोर्ट्स शूज। अरे नहीं नहीं, मैं तो भूल ही गया, जादू का इस्तेमाल ओली परोपकार के लिए। स्पोर्ट्स शूज वापस जाओ। अच्छा हुआ याद आ गया, वरना एक और रेड डॉट बढ़ जाता। अरे विवान, बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई यार। क्या हुआ? कल इंग्लिश टीचर चैप्टर 6 का सरप्राइज टेस्ट लेने वाली है। तुझे किसने बताया? सुतली ने। और सुतली को? क्लास के बाकी बच्चों ने। हैं? ये किस टाइप का सरप्राइज टेस्ट है जो सबको पता है? अरे हाँ, लगता है ये सिर्फ हमारे लिए सरप्राइज है। फिकर नॉट गोपू, कर लेंगे ना टेस्ट की तैयारी। तू बेवजह इतना सरप्राइज क्यों हो रहा है? अरे वाह लेजर की। अब तू भी इतना सरप्राइज दिख रहा है विवान। अरे ये टेबल कैसे टूट गए? मम्मी सोचेगी मैंने तोड़ी है, पर यहाँ भी यही सोचेगी रेड चाटा रेड डॉट दोनों मिलेगा। लेजर की वापस दे गोपू। अरे थोड़ी देर खेलने देना मुझे उससे, ये खेलने की चीज नहीं है। अरे तू भी तो मेरे खिलौनों से खेलता है ना। उस दिन मेरा मोबाइल लेके 2 घंटे गायब था तू, मैंने कुछ बोला तेरे को, और आज तू मुझे छोटी सी लेजर की के लिए इतना होल दे रहा है। ऐसी बात नहीं है गोपू। तो फिर दे मुझे लेजर की। नहीं दे सकता ना। तू बदल गया है यार विवान, तू मेरे साथ खेलता भी कम है, बातें भी कम करता है, और आज तू मुझे छोटी सी लेजर की नहीं देना चाहता। तू बदल गया यार विवान। नहीं गोपू, ऐसी कोई बात नहीं है, तू और सुधी तो मेरे टॉप की बेस्ट फ्रेंड है। मैं तेरे लिए नई लेजर की खरीदूंगा, ठीक है? चल अब क्रिकेट खेलते, आ जा। मुझे तो यही वाली लेजर की चाहिए, समझे मेरे टॉप की बेस्ट फ्रेंड। गोपू रुक जा प्लीज। गोपू गोपू क्या हुआ शौर्य, आपने मुझे बुलाया? हाँ मस्ती परी,
कल से यथार्थ ग्रहण शुरू होने वाला है और मैं चाहता हूं कि तुम और बाकी परियां इस दौरान पृथ्वी पर कड़ी पैनी नजर रखो। ग्रहण तो इसके पहले भी बहुत से हुए हैं। इस यथार्थ ग्रहण में इतना क्या खास है शौर्य कि आप इतने चिंतित हो रहे हैं? क्योंकि इस ग्रहण के दौरान काल लोक की शक्तियां पृथ्वी पर काम करती हैं। क्या? और शौर्य को अंदेशा है कि यथार्थ ग्रहण का ये राज कालपरी से तिमनासा को पता चल चुका होगा और वो पृथ्वी पर हमला कर सकती है। लेकिन फिक्र मत करो मस्ती परी, बालवीर एक जादुई रस्सी रज्जू रण लेकर काल लोक गया है तिमनासा की कोशिश को नाकाम करने, और मुझे पूरा भरोसा है कि थोड़ी ही देर में बालवीर सफल होकर हमारी योजना असफल रही। शौर्य, मुझे तिमनासा के साथ लड़ाई बीच में ही छोड़कर आनी पड़ी। तुमने ठीक किया बालवीर, अगर तुम काल लोक में यथार्थ ग्रहण तक रुकते तो तिमनासा तुम्हारी शक्तियां छीन लेती। कभी कभी बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी लड़ाई हारने में ही समझदारी होती है। लेकिन अब हम क्या करेंगे शौर्य? तिमनासा को रोकने का एक और रास्ता है, उसके लिए बालवीर को धरती के गर्भ में जाना होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.